जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको माघ मास महात्म के 22वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। विभिन्न तीर्थों में माघ स्नान करने से होने वाले फलों की प्राप्ति, राजा वीरसेन एवं भद्रक नामक ब्राह्मण की कथा। हे राजन, महर्षि लोमस के यह वचन सुनकर वेद निधि ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, उस धर्म का शीघ्र कथन कीजिए जिसके करने से इन बच्चों की मुक्ति हो सके। हे राजन, वेद निधि के वचन सुनकर लोमस जी कहने लगे, हे विप्र, यह सब बच्चे यदि हमारे साथ माघ स्नान करें तो इनका उद्धार अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि साप और पापों की शांति किसी तीर्थ पर माघ मास में स्नान करने से ही हुआ करती है। इतना ही नहीं, शास्त्रकारों का कथन है कि माघ स्नान से 7 जन्म के किए हुए पाप और वर्तमान काल के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, और मुनीश्वरों को जिस पाप का कोई भी प्रायश्चित दिखाई नहीं देता है वह भी पुण्य तीर्थों में स्नान से नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, अब मैं आपके सामने यह बताता हूँ कि किन किन पुण्य तीर्थों में माघ स्नान करने से किन किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे राजन, नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से भगवान विष्णु का सायुज्य और पुष्कर राज में स्नान करने से ब्रह्मा का सामीप्य प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में माघ स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। देव सरोवर में स्नान करने से योग सिद्धि के फल की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इसके संबंध में मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया है, वह मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय में अवंती नामक नगरी में एक वीरसेन नाम का बड़ा धर्मात्मा राजा रहता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर आकर राजस्व यज्ञ किया और उसके अलावा 16 अश्वमेघ यज्ञ करते हुए ब्राह्मण अतिथि और अभ्यागतों को सोने और आभूषणों का इतना दान दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे मुनीश्वर, इस तरह वह राजा वीरसेन नित्य यज्ञ अनुष्ठान और दान करने में संलग्न रहा करता था, और उसी नगरी में एक भद्रक नाम का ब्राह्मण भी रहता था। वह मूर्ख खेती करके अपना पेट पालता था, क्योंकि खेती का काम बड़ा कठिन है, इसलिए वह अधिक दिनों तक इसे भली प्रकार ना कर सका। इस प्रकार घर वालों ने उसे निकाल दिया तो वह भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रियों का एक दल प्रयागराज को जा रहा था, सो वह ब्राह्मण भी उसके साथ हो लिया और मार्ग में हरि कथा सुनता हुआ प्रयागराज में पहुंच गया। वहां जाकर उसने माघ मास की एकादशी से लेकर केवल 3 दिन स्नान किया और जो कुछ वह श्रद्धा अनुसार दे सकता था मेहनत मजदूरी करके दान दिया, और परमेश्वर का चिंतन करता हुआ माघ मातम को ध्यान लगाकर श्रवण किया। इतना ही नहीं, उसने सब तरह के दुष्कर्मों को सदा के लिए तिलांजलि देते हुए निर्णय किया कि मैं जन्म भर हिंसा, चोरी जारी, ईर्ष्या, द्वेष और चुगली आदि पाप कर्म सपने में भी नहीं करूंगा। भिक्षा मांगना, दान लेना और जीवना, इनका सर्वथा परित्याग कर अपनी भुजाओं के कठिन परिश्रम से निर्वाह करता हुआ सदैव परोपकार में लगा रहूंगा। हे मुनीश्वर, ऐसा करने के कारण वह ब्राह्मण न केवल अपनी नगरी में ही बल्कि प्रांत भर में श्रेष्ठ गिना जाने लगा। वह सब तरह के भोग और ऐश्वर्य का स्वामी हुआ। इसके बाद वीरसेन और वह ब्राह्मण दोनों एक ही दिन मृत्यु को पाकर स्वर्ग लोक को चले गए। इंद्रलोक में मैंने आप जाकर दोनों की समान गति देखी थी और वह वहां पर अनेकों तरह के दिव्य भोगों का उपभोग कर रहे हैं। इसलिए प्रयागराज में माघ स्नान करने का यह फल है। अब एक पिशाच मोचन इतिहास आपके सामने वर्णन करता हूँ, सुनो। इसी के साथ माघ मास महात्म के 22वें दिन की कथा समाप्त हुई। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।